सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि तुम्हारा नाम लेने से मुझे सब जान जाते हैं, तुम्हारा नाम लेने से मुझे सब जान जाते हैं, मैं वो खोई हुई चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो। एक भक्त के अपने ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होती है उसका शब्द रूप है ये पंक्तियाँ, और आज का प्रोग्राम हम इसी भावना से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमारी ईश्वरी आपकी भी ईश्वरी है, भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर। हमारी फिल्म संगीत की दुनिया में पिछले 7 दशकों से एक मंगल धारा बहती रही। लता जी के अद्भुत कंठ से झरता स्वर्गीय संगीत, आज उन्हीं में से कुछ श्रेष्ठ गीत आपके सामने पेश करेंगी। अपनी मधुर और लचीली आवाज़ में और अपने हरफन मौला अंदाज में जानी मानी गायिका शैलजा सुब्रमण्यम तालियों की गूंज के साथ हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें शुभाशीष देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और उनके साथ आज के इस प्रोग्राम में शामिल है राणा चैटर्जी, जो एक बहुत ही गुणी कलाकार है। तालियों की एक गूंज उनके लिए भी। यहाँ मुझे मौका है शैलजा जी के बारे में कुछ बातें आपसे करने का। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत की घनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद लाइव म्यूज़िक की इस दुनिया में शैलजा ने अपना कदम जमाया, और जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि बाद में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि खयाम साहब, ओपी नैयर, अमित कुमार, मन्ना दा, पंडित शिव कुमार शर्मा, सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर जैसे नामचीन और दिग्गज कलाकारों के साथ देश विदेशों में कई महफिलें उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ में सजाई है, और बहुत सारे कंसेप्ट पे उन्होंने काम किया है। शैलता उनका एक अपना कंसेप्ट है जिसको डेवलप किया है सिद्धार्थ एंटरटेनर्स के सिद्धार्थ मिश्रा जी ने, तो हम उनका भी तालियों के गूंज के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ गलती तो नहीं हुई मुझ? नहीं ना, कोई बात नहीं। और आज के इस प्रोग्राम का संगीत संयोजन, मुझे मालूम है कि हमारी पहली शैलता हो चुकी है जिसमें अनुपम घटक और शैलजा जी की ये कंसेप्ट थी, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ डायरेक्टेड बाय यू एंड कंसेप्चुलाइज्ड बाय यू, सो आई हैव टेकन योर नेम। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम का संगीत संयोजन कर रहे हैं अनुपम घटक जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हमारे बा कमाल साजिंदों के लिए तालियों की एक ज़ोरदार गूंज हो, आपके रंजन के लिए वो तैयार है। बस अब जिनके लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं, लता जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि लता जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वो एक युग धर्म की पहचान है। उनके गीत मनोरंजन के साधन नहीं बल्कि सुंदरता, करुणिमा और मधुरिमा के परिचायक है। लता मंगेशकर आसमान मौसिकी का वो दरक्षा सितारा है जिसकी रोशनी को आज तक कोई छू नहीं पाया। आइए, पहला जो गीत आप अब सुनेंगे वो राग भैरव में निबद्ध है, एक अजर अमर प्रार्थना है 1957 की फिल्म दो आंखें 12 हाथ, यानी कि पंडित भरत व्यास और वसंत देसाई जी। जितनी लता जी की आवाज़ इसमें अहम है उतना ही अहम है हमारा कोरस जो यहाँ मौजूद है। तालियों की एक गूंज आपसे वो भी मांग रहा है। आइए, शैलजा जी का इसी तालियों की बहती गूंज के साथ, धारा के साथ स्वागत है। पहला गीत आपके सामने।
अद्भुत गीत सुनते हैं अगली पायदान पर, राग भीम पलासी में निबद्ध, अ सॉन्ग विद अ टाइमलेस अपील कह सकते हैं हम लोग। सुबह का वो मनभावन वातावरण है और ओस की बूंदों से चमकता विश्व है, पंछियों की प्यारी सी चहक चहुओर से सुनाई दे रही है और नीली नीली पहाड़ियों से दूर कहीं बांसुरी सुनाई देती है और बांसुरी के साथ वो सुरीली आवाज़ जो अपने दिल का अपने मन का इजहार कर रही है। और लता जी के विस्परिंग साउंड में हेमंदा ने ये पूरा गीत आपके सामने रखा है। कैफी आज़मी साहब के बोल 1966 की फिल्म अनुपमा का ये गीत आप सभी जान चुके हैं, कुछ दिल ने कहा। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं भी नहीं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं।
बातें होती कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं ब्यूटिफुल देर इज सो मच ब्यूटी इन साइलेंस और एक प्रतीक्षा में कि आगे क्या होगा. अगर हमारा दिल प्यार की अंगड़ाइयाँ लेता तो ज़रूर यही गीत हम याद करते. अगली पायदान पर एक बहुत सुंदर गीत आपके सामने अभी पेश होगा. 1960 के दशक की एक ब्रिटिश मूवी थी स्कूल ऑफ स्काउंडल्स और उस पर आधारित थी 1975 की हमारी फिल्म बासु चैटर्जी की छोटी सी बात. और छोटी सी बात फिल्म का योगेश जी का लिखा और सलील चौधरी जी का संगीतबद्ध किया वो गीत आपके सामने अब शैलजा जी पेश करेंगी. मैं उसके पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी कि दिल और दिमाग बीचों बीच आदमी का गला और अगर वो गला लता मंगेशकर जैसा अद्वितीय गला हो तो. और सलील चौधरी साहब ने जीवन के हर रंग को रंगाने के लिए और गीतों द्वारा हमारे सम्मुख रखने के लिए इसी गले का इस्तेमाल किया. आइए वो गीत न जाने क्यों.
माय गुडनेस, इट वाज सो ब्यूटीफुल. और सलीलदा की संगीत की एक विशेषता माने उसमें जो कॉयर का इस्तेमाल वो करते हैं, यू कैन नॉट कॉल इट कोरस, इट्स अ कॉयर. और उसके वजह से और सारे पाश्चात्य, जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ ट्रम्पेट भी इस्तेमाल हुआ, सैक्सोफोन भी, और गिटार की झमझम तो उसकी आत्मा है. खैर आगे चलते हैं. इश्क है या इबादत, अब कुछ समझ नहीं आता. इश्क है या इबादत, अब कुछ समझ नहीं आता. एक खूबसूरत सा ख्याल है जो दिल से नहीं जाता. आइए अब एक बहुत बेहतरीन फिल्म की ओर हम आपको लिए चलते हैं. 1977 की फिल्म स्वामी. बोल लिखे थे अमित खन्ना साहब ने और संगीत था राजेश रोशन जी का. फिर से एक बार बासु चैटर्जी की फिल्म. और उन्होंने 77 की स्वामी से लेकर हमारी बहू अलका तक राजेश रोशन साहब के संगीत निर्देशन पर बहुत भरोसा रखा. ही यूज़ टू टेल हिम कि आप मेरे लिए मेरे शंकर जयकिशन हो. और उन्होंने स्वामी का संगीत राजेश रोशन जी ने जो दिया है उसमें उन्होंने बहुत वर्सटैलिटी का इस्तेमाल किया है, ये तो कहने लायक बात नहीं है, आप सभी जानते हैं. वासुदा के बारे में राजेश रोशन साहब ने एक बहुत अहम बात कही थी, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ और बाद में गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ. वो ये है कि वासुदा जो गीत चाहते थे उनको पहले रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद में फिल्म में उनको कहाँ फिट किया जाए ये वो सोचते थे. और इस कदर उनका एडिटिंग होता था कि कभी उसका रोपण नहीं लगता था, लेकिन वो एक फिल्म का अटूट हिस्सा बन जाते थे. पल भर में ये क्या हो गया, आइए सुनते हैं. Oh.
एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. ये गीत राग मांड में निबद्ध था और अगला गीत भी जो है वो भी राग मांड पर ही आधारित है. लेकिन जब संगीतकार बदल देता है, एक संगीतकार बदल जाते हैं तो अपनी प्रतिभा के हिसाब से किसी राग का इस्तेमाल कितनी सुंदरता से करते हैं. आइए, अगला गीत भी राग मांड में ही है और अब है संगीतकार एसटी बर्मन. ये गीत मजरू सुल्तानपुरी साहब का है, जिन्होंने कहा है कि मेरे लफ्ज़ों को जो छू जाती है आवाज़ तेरी, सरहदें तोड़कर उड़ जाते हैं अशआर मेरे. ये उन्होंने लता जी के बारे में कहा है. और एसटी बर्मन यानी कि बड़े बर्मनदा तो हमेशा कहते थे कि मुझे एक हारमोनियम दो, लोता दो, मैं संगीत बनाऊंगा. तो लता मंगेशकर जी की जो अहमियत थी इन सबके जीवन में, सांगीतिक जीवन में, इसका ये दर्पण है. आइए, 1973 की फिल्म अभिमान का वो गीत कि एक संगीतकार गीत ऐसे बना देता है कि उसमें हम कितनी कहानी लांग कर भविष्य की ओर चल जाते हैं, और ये गीत वैसा ही है. इसमें बीच बीच में संवाद है और जो म्यूजिकल इंटरल्यूड्स हैं उसमें वो सादी सीधी देहाती लड़की जब पार्श्व संगीत की दुनिया में आती है तो उसे कैसे पुरस्कार मिलने लगते हैं, उसका भी कितना सुंदर वर्णन है. आइए, अब तो है मुझ तुमसे. Oh,
हर खुशी अपनी तुम पे मरना है, जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी। अनुपम जी, ये बज रहा था ना शब्दों के बाद तो मुझे अपने बर्मन लेगेसी की याद आ गई। इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोग्राम्स। शैलजा जी, आप भी थी उसमें, है ना। चलिए, अगला जो गीत है ना वो मांड शैली में शुरू हो जाता है लेकिन मुजरा है। अगला गीत यमन कल्याण में आगे चला जाता है और 1972 की फिल्म पाकीज़ा का, यानी कि बजरू सुल्तानपुरी और ग़ुलाम मोहम्मद साहब, इनका जिक्र होना ही चाहिए। पहले ये गीत कृष्ण धवल रंगों में चित्रित किया गया था, बीच में एक तवील अरसा गुजर गया, इसके वजह से उसे दोबारा फिल्माना पड़ा और रंगीन उसे उसका चित्रण हो गया। ये तो बात हम सब जानते हैं, लेकिन एक और बात की याद दिलाना बहुत लाजमी है, क्योंकि 1941 में फिल्म हिम्मत के लिए संगीतकार पंडित गोविंद राम जी ने शमशाद बेगम जी से यही मुजरा गवा लिया था और तब बोल जिनके नाम पर थे उनका नाम था अज़ीज़ कश्मीरी। खैर, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ये होता रहता है, उसमें कुछ बदलाव भी होगा जिसके लिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिल्म का हर एक गीत एक अध्याय है और मीना कुमारी जी को नमन किए बिना हम ये गीत सुन नहीं पाते। मुजरे को इतनी पाकीज़गी और इतने दिलकश अंदाज में शायद ही इसके पहले कभी पेश किया गया होगा। आइए सुनते हैं शैलजा जी से इन्हीं लोगों ने। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, अशर्फी गज दी ना दुपट्टा मेरा, जिसने अशर्फी गज दी ना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा।
पैया से पूछो वाओ शैलजा जी, इसमें लता जी की जो खनक है आवाज़ की और वो जो कहन है उसके साथ वो तबला कितना मैच करता है, उसके गमक दोनों अवर्णनीय है। बहुत खूब बहुत खूब। अगले गीत की ओर आपको ले चलती हूँ दोस्तों। गुलाम हैदर, श्याम सुंदर, खेमचंद प्रकाश, अनिल विश्वास, हुस्नलाल भगत राम, नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन जैसे प्रतिभाशाली संगीतकारों की प्रतिभा को एक तेज़ तर्रार और शहद सी आवाज़ ने दस्तक दी और उसी के बाद एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी शुरू हो गई। अगला गीत गज़ब की धुन, दिल को छू लेने वाली शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और लता मंगेशकर, उसका मतलब बरमूडा ट्रायंगल। और सुनते हैं तुम्हें याद करते करते, 1966 की फिल्म आम्रपाली। जाएगी रे निसार
क्या करें क्योंकि ये अधिकार मेरा नहीं है। काय करायचं अनुपम, जायचं पुढे? हाँ ओके, फिर से एक बार ऐसा करते हैं ना कि शैलेंद्र, शंकर, जयकिशन, लता जी और रफ़ी, तो आपको थोड़ा बढ़ते जाएंगे, आगे जाएंगे। ये राग शिवरंजनी में निबद्ध था और आपने देखा कि सितार का जो इस्तेमाल है वो बिरहा की उदासी को कैसे बढ़ाता है। खैर, वायलिन की अमीरी, सैक्सोफोन, गिटार, ट्रम्पेट, अकॉर्डियन जैसे साजों का बेहतरीन इस्तेमाल, गरजते बादल और कड़कती बिजलियाँ, और ऐसे में जैसे संगीत का हिस्सा ही हो, और ऐसे में वो हसीना जिसे दिल दिया हो, जिस पे दिल निछावर हो, सहम कर अगर पहलू में आए तो। दिल तेरा दीवाना 1962 की फिल्म दिल तेरा दीवाना है, वही गीत और शम्मी कपूर जी की मर्दाना अदाएं और रफ़ी साहब की उन अदाओं को अभिनित करने वाली आवाज़, तालियों की गूंज के साथ राणा चटर्जी, आप भी शामिल हो जाइए इस महफिल में। सादगी पे आपकी लीला हम गए, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, हाँ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। राह में खो जाएंगे आज तो, राह में खो जाएंगे आज तो, है मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर, कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओए मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है सारा इसी का तो कसूर है, सयान जाने नगरी प्यार की, सयान जाने नगरी प्यार की, नादा है दिल मेरा मजबूर है, जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। थैंक यू।
बहुत बेहतरीन दोस्तों, कविता लफ्जों का संगीत है और संगीत सुरों की कविता है। बस इसी का उदाहरण अगला गीत, जिसके लिए तालियों की गूंज के साथ हमें वंदन करना चाहिए रविंद्र जैन साहब को। बोल भी उनके, संगीत भी उनका। और सुरेश वाडकर जी ने अपनी सरस्वती माँ के साथ ये दो गाना गाया है, जिसके लिए फिर से एक बार राणा चटर्जी यहाँ मौजूद होंगे। अब इतना ही कहूँगी कि राग पहाड़ी में निबद्ध ये गीत है और हिमालय की वादियों में सुबह सवेरे जो एक अद्भुत समा होता है उसका बैकड्रॉप है। और पहाड़ी झरने जैसी बिल्कुल भोली भाली गंगा और आदर्शवादी नरेन की ये प्रेम कहानी आपने पहचाना होगा, 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत। प्यार से रास्ता तो क्या, जिंदगी भी आराम से कट जाती है। आइए, हुस्न पहाड़ों का।
हाथ है हाथों में कि रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है सुनो जी, दुनिया ये गाती है प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, ये प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। वेरी ब्यूटिफुल। अगला जो गीत है वो राग अडाना में निबद्ध है, वो भी मुजरा नुमा गीत है। 1962 की फिल्म सौतेला भाई, यानी कि संगीतकार अनिल विश्वास और गीतकार शैलेंद्र जी। अब संगीतकार अनिल विश्वास को संगीतकार सी रामचंद्र भी अपना गुरु मानते थे, और अनिल विश्वास जी ने ये बात बहुत स्पष्टता से बताई है कि गुलाम हैदर, खेमचंद प्रकाश और मैं, माने अनिल दा, हम तीनों की खोज है लता जी की आवाज़। और इस बात को लता जी ने भी खुद माना है, क्योंकि ऐसी गाने की बहुत सारी खूबियां हैं जो उन्होंने अनिल दा से सीखी हैं। जैसे कि पहली तो खूबी कि उनकी सांस की आवाज़ कभी गीत में नहीं आती, ये अनिल दा की देन है। हर पंक्ति की एक फेड इन और फेड आउट की टेक्निक होती है जो उन्हें अनिल दा से मिली है, और ये बात खुद लता जी ने ही बताई है। और तीसरी ये बात कि अनिल दा ही वो संगीतकार थे जिन्होंने लता जी को नूर जहाँ के प्रभाव से मुक्त किया था। और 1948 के अनोखा प्यार फिल्म के बाद अनिल विश्वास जी का संगीत भी पूरा लतामय हो चुका था। ये थी लता जी की इस गाने में अलौकिक पात्रता। पात्रता शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो प्यार से लता मंगेशकर जी को लती के कहकर पुकारते थे, कितने सुंदर संबंध थे। जा मैं तो से ना ही बोलूं, आइए सुनते हैं। जा मैं तो से ना
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. थैंक यू. और अगर ये कुछ बोल रहे हो तो मैं उस साइड में हूँ. नहीं, वंस मोर तो ये पॉसिबल नहीं. आई नो दैट. अच्छा, उनको अकेली को इतने आपको अलग अलग जॉनर के गाने सुनाने हैं तो मैं भी वो अन्याय नहीं कर सकती. लेकिन इसको ध्यान में रखते हैं, आगे चलते हैं. आगे का रास्ता भी बहुत सुंदर है मुझे मालूम है. लेकिन जो मैं, अरे माझा अधिकारच नाही तेच मला सांगताय तुम्ही करायला. मी नाही करू शकत ते. घ्यायचा? व्हेरी गुड. हो, घेते घेते. थँक यू. लता जी के बारे में सोचकर भी हम लोग अचंभित हो जाते हैं कि जैसे नौशाद साहब ने कहा था कि राहों में तेरे नगमे, महफिल में सदा तेरी, करती है सभी दुनिया तारीफ लता तेरी, दीवाने तेरे फन के, इंसान तो फिर इंसान है, हद यह है कि सुनता है आवाज़ खुदा तेरी. तुझे नगमों की जहाँ अहले नज़र यूँ ही नहीं कहते, तुझे गीतों का हम सफ़र यूँ ही नहीं कहते. सुनी है सभी ने मोहब्बत की जुबा आवाज़ में तेरी, धड़कता है दिले हिंदोस्तान आवाज़ में तेरी. खैर, अगला गीत, आई कैन से ट्रूली बिगिनिंग ऑफ एलपी इरा. और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन द रियल सेंस हमारे फिल्म इंडस्ट्री के पारस बने रहे हैं. देखिए, मृदंग और सितार से शुरुआत होगी, हाँ, और फिर लता जी टेक ऑफ करेगी तो उसके साथ अचानक पागल जैसी, माने प्रतिभाशाली, एक एकॉस्टिक गिटार बजने लगेगी, और फिर गिटार, सैक्सोफोन, और ये सारे वॉयलेंस और बोंगो और ड्रम्स और सारे रिदम बजेंगे, और ऐसे लगता है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम. ये जो अद्भुत करिश्मा है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है, बोल असद भोपाली साहब के हैं, और लता दीजदी का गाया ये गीत मेरे दिल में हल्की सी वो खालिश. आइए, आपके सामने पेश करेंगे शैलजा जी. हल्की सी मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी. कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए. मेरे दिल में
एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक। आइए दोस्तों, मांड तोड़ी बिहंगिनी जैसे रागों के उपयोजन से ना बिरहा की उदासी, प्रतीक्षा की लंबी रातें और दिल में सिमटे हुए सुरों की अगन बिल्कुल महसूस होती है। मैं लेकिन की ही बात कर रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर लिखित क्षुधित पाषाण इस उपन्यास पर आधारित थी फिल्म लेकिन, और इसमें मैं इतना ही कह सकती हूँ कि पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का अतीत से वर्तमान और फिर अतीत की ओर जाने वाला संगीत और गुलजार जी के बोल दोनों एक महानदी से आकर मिलते हैं जिसका नाम है लता मंगेशकर। आइए, राष्ट्रीय पुरस्कार तीनों को प्राप्त हुआ था इतना मेरा स्मरण कहता है। अब ये गीत, प्रस्तुत गीत जो है वो मांड में है, यारा सिली सिली, और सिली सिली सिला सिला माने जो सिलन होती है, बिरहा की लंबी रात जो अक्सर उनकी आंसुओं से भीग जाती है, इसलिए यारा सिली सिली। आइए सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, हो यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। ये भी गली
पे ना साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। पैरों में न साया कोई, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। शैलजा जी, और वो जो वॉयलिन बजती है उसमें वो सीलन भी हमारे दिल को छूती है। सिद्धार्थ एंटरटेनमेंट्स की ओर से हम बड़े लंबे अरसे के बाद आपसे मिल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो तालियों की गूंज के साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी को यहाँ आमंत्रित करूँगी। सिद्धार्थ एंटरटेनर्स का एक अपना ओहदा है और इस लाइव म्यूज़िक की और स्टेज म्यूज़िक की दुनिया में एक नाम कमाया है सिद्धार्थ ने, और आज बहुत अच्छे दिल से और भावुकता से यह प्रोग्राम हम सिद्धार्थ जी पेश कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो हमेशा बने रहे उनको हम मंच पर बुलाते हैं, और पहले आप उनका सम्मान करें और फिर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपको भी अगर कुछ इनसे बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो आप ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो हरमिंदर सिंह मक्कर साहब, आप आइए जी, आइए आइए, आपको यहाँ मंच पर हमारे साथ आप जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अपने सारे निजी हमारे लिए सदिच्छा रखने वाले सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। ही इज ऑलवेज देयर विद अस थ्रू थिक एंड थिन। थैंक यू सो मच। और एक जिनका मैं जिक्र करूँगी तालियों की गूंज के साथ, मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ शिकारा कंस्ट्रक्शंस के अशोक मेहरा जी को। अशोक मेहरा साहब आइए, और चूंकि शिकारा के ही तीनों को हम साथ में बुलाएं चलेगा, तो कमलेश सोनी जी और दिनेश थापर जी आपको भी हम आमंत्रित करते हैं शिकारा कंस्ट्रक्शन की ओर से। आप आइए, आपके बारे में भी वही पंक्तियां दोहराना चाहूंगी कि थ्रू थिक एंड थिन अशोक मेहरा जी, दिनेश थापर, कमलेश सोनी साहब, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। नहीं, आपके लिए अलग है फूलों का गुलदस्ता, बिल्कुल। इतना बड़ा प्रोग्राम एक शिवधनुष्य की तरह होता है और हजारों हाथ लगते हैं सहयोग के। इसके बाद में न्यू इंडिया एश्योरेंस के डीजीएम मिस्टर सदानंद मोहंती यहाँ हैं, तो तालियों की गूंज के साथ मैं उन्हें भी यहाँ आमंत्रित करती हूँ। और सिद्धार्थ जी से विनती है कि आप उनका फूलों हमारी भावनाओं का इजहार फूलों के जरिए। आइए, ये 2017 की बात है। एक शो हम देखने गए थे दीनानाथ नाट्य मंदिर में, मैं और चंदन भाई। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये सब्जेक्ट को क्यों ना हम हमारे बैनर के अंदर करें। और 5 साल के बाद जब मैंने ये प्रपोजल अनुपम जी के सामने रखा तो एक मेरे लिए एक दुविधा थी, क्योंकि खुद का एक
जो मान रहता है वो रख के कि मैंने उनको अपील किया कि ये सब्जेक्ट मैं करना चाहता हूँ, एंड विदाउट एनी सेकेंड थाट अनुपम जी सेड यस एंड शैलेजा जी सेड यस एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट बोथ ऑफ देम हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस शो एंड दे हैव गाइडेड अस थ्रू. सो थैंक यू अनुपम जी. इट इज़ हिज कंसेप्ट एंड इट इज़ क्यूरेटेड बाई हिम. सो आई एम नो बडी टू टेक द क्रेडिट हियर. And the musicians will be introduced by Anupam ji here. Firstly, we are actually fortunate to work with Siddharth ji. Frankly, I am very selective about working with people, you know. So he is one of my top priority. It's not that wo ye show kar rahe karke main butter leke baitha hu, but it's coming out from my heart. So thank you, Siddharth ji. Thanks a lot. Thank you so much. So we move on to the musicians here, yeah, in this incredible musicians. On tabla, you just saw him and heard him playing Sandeep Mahekar in Ja Main To Se Nahi Bolu. And these songs are very difficult. Of course, Shailaja has done justice according to me to the song. But then tabla, wo gana ek zamane ka aisa hai ki wo tabla sunai nahi deta itna zyada. You know, wo 1950s ka hai, so सुने तो वो पूरा डिकोड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो ही हैज डन दैट थिंग विथ हिम. इन्हीं लोगों ने जो ढोलकी बजाया, सचिन पाठक जी, वहाँ ऑक्टोपैड्स पर संतोष भूतल जी, ही इज प्लेइंग ऑल द मादल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. या शशि भावलेकर ढोलक पर, समित पेडनेकर कॉन्गो, ऑन द ड्रम्स रोहन नाटकर्णी, एंड द मोस्ट सीनियर इन दिस इंडस्ट्री एंड ऑन दिस स्टेज हियर, श्री दीपक बोरकर जी. वी मूव ऑन टू द मेलेडी सेक्शंस. फर्स्ट कीबोर्ड चिराग पांचाल, इज अ फैबुलस सिंगर एज वेल. सेकेंड कीबोर्ड सागर टेमघरे. थर्ड कीबोर्ड किरण गायकवाड़, एंड उसके बगल में फिर से फ्लूट पर किरण विनकर. यहाँ ट्रम्पेट पर, सामने देखिए सर, ट्रम्पेट पर वॉल्टर डायस. नागेश कोहली को सुना अपने दिल तेरा दीवाना में. प्रसाद जी, प्रसाद गांवकर गोंदकर, एक्चुअली आई एम सॉरी, ऑन सतार. दिनेश भोसले ऑन द मैंडलिन. जीतू ठाकुर, अगेन वन ऑफ द सीनियर म्यूजिशियंस ऑफ द इंडस्ट्री, ऑन वायलिन. ऑन द वाइब्रोफोन, वेरी रेयर इंस्ट्रूमेंट्स नाउ डेज, नीलेश देवस्थले. सुरेश अय्यर जी ऑन द बेस गिटार. Rahul Dev on Spanish guitar, and the youngest of us, Brijesh Shah, on the electric guitar. And chorus pata nahi yahan hai nahi, but A Malik Tere Bande Hum, Sonal Naik, Nishigandha, and Veena, huh? Rahul, Nitin, unke liye, I mean, they are very good friend of mine. The help a lot. On sound, of course, T2 Kulkarni and Parikshit Kulkarni here. And light provided by T2 Kulkarni as well. Thank you, and thank you, Veer Savarkar management, and of course, madam. I forgot actually. Mangala Tai, I'm so sorry about it. Mangala Tai, I'm so sorry. कल फोन किया, अरे शो है ना, लिस्ट नहीं दिया अब तक तूने. एनीवे, थैंक्स अ लॉट मंगल. थैंक यू सो मच फॉर द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स आल्सो. बहुत अच्छा चयन है, और
बहुत सारे गाने बुलाते हैं हमें, लेकिन उन्हें लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो हर प्रोग्राम में हम सुनते हैं। तो उसके बावजूद कुछ अगर खास सुनाना है तो उसके लिए एक धीरज लगता है जो इन लोगों के पास है। दूसरी एक अनाउंसमेंट, यस, तालियों के लिए, ये बहुत सही था क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत ली है इस शो पे, शैलजा जी ने, अनुपम जी ने और फिर सिद्धार्थ जी ने। 1200 हिंदी सुपरहिट रोमांटिक ड्यूएट्स, गजल्स, इंस्ट्रूमेंटल्स, गीतों का एक कलेक्शन एक ही पेन ड्राइव में बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है आप सबके लिए, अपने अपने पैसों से खरीदने के लिए वहाँ सुविधा है। जी चलिए, अब कैबरे सॉन्ग्स और क्लब सॉन्ग्स, ये तो लता जी का पसंदीदा जॉनर नहीं था, पर फिल्म इंतकाम का आ जाने जा और फिल्म हाथ की सफाई का आगे सुनिए ना, तू क्या जाने वफा, उन्होंने इस एटीट्यूड और इस सहजता से गाया कि उन्होंने ऐसे गीतों का एक ट्रेंड सेट किया। फिर गिटार, सैक्सोफोन, सोप्रानो जैसे साजों के इस्तेमाल से बेवफाई का दर्द और गहराया जाता है, कैसा अनुभव कीजिए बोल गुलशन बावरा जी के, संगीत कल्याण जी, आनंद जी। गिटार का अधीरापन वो वकाओ सुनने के लिए हम बेताब है, और घायल शेरनी जैसी हेमा जी। परकशन रिदम अनुपम जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाबला जी की रिदम अरेंजमेंट है ना, तू क्या जाने वफा। Oh.
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और आपके अगले शो की अनाउंसमेंट भी आप वहाँ देख चुके हैं। तो आप ऐसा करते हैं कि जिन्हें संगीतकार सलील चौधरी जी का ही आसामी लोक संगीत पर आधारित वो गीत सुनते हैं 1953 की फिल्म मधुमति का, शैलेंद्र जी के बोल, लता जी मन्ना दा। तो फिर से एक बार आएंगे ना आपके साथ राणा जी, आसामी लोक संगीत पर आधारित वो अजर अमर धुन बिछुआ।
ए टूट के रह गए हो डंक उतर गए हो बिछुआ बिल्कुल 10 मिनट का मध्यांतर और फिर से एक बार इसी संख्या में आप हमारे सामने हाजिर होंगे इसके बारे में हमारे मन में विश्वास है। धन्यवाद। अरे दोस्तों नमस्कार, उत्तरार्ध के प्रोग्राम में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। कुछ धड़कनों का जिक्र हो, कुछ दिल की बात हो, मुमकिन है इसके बाद न दिन हो न रात हो। 1974 की फिल्म हिंदुस्तान की कसम भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी और इसी फिल्म का जो गीत, जो कैफी साहब के दिल को छू लेने वाले अल्फाज और दिल की नाजुक रगों को छू लेने वाला मदन मोहन जी का संगीत, लता जी की आवाज़ है तेरे साथ मेरी वफा। आइए मैं नहीं तो क्या
लता जी और उनके मदन भैया, एक संपूर्ण अध्याय है। आइए आगे चलते हैं। लता जी ने अपनी जीवनी में एक पारलौकिक अनुभव अपना बताया है कि कभी कभी जब वो रिकॉर्डिंग में रहती थी और स्थाई या मुखड़ा गाने के बाद जब संगीत शुरू होता है तो संगीत खत्म होने का इंतज़ार करती थी और तब कहीं से अचानक उन्हें जोर से और स्पष्टता से आवाज़ आती, लता, जैसे कोई पुकार रहा है। और वो थोड़ी सी सहम जाती, डर भी जाती, इर्द गिर्द देखती तो कोई नज़र नहीं आता था, वादकों की ओर देखती तो वो अपने काम में मगन होते थे और वो ढूंढने की कोशिश करती थी, बट एज परफेक्शनिस्ट शी वॉज, वो गाना कभी एक टेक में ओके हो जाता था, लेकिन उसके बाद में न जाने क्यों उन्हें महसूस होता कि वो और कोई नहीं, उनके बाबा उन्हें पुकार रहे थे। तो हमारे मराठी में एक बहुत सुंदर गीत है कि कल्पवृक्ष कन्येसाठी लाऊनिया बाबा गेला, तो उन्होंने कल्पवृक्ष ही लगाया था उनके लिए, वो लगा के ही वो चले गए थे। तो शायद उन्हें हमेशा वो तड़प रहती थी अंदर कि अपनी बेटी कैसी गा रही है, और वो गाना सुपरहिट हो जाता था जब वो लता आवाज़ सुनती थी। तो इस पर पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने भी खुद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी लता जी दीदी ऐसी गा लेती है कि ऐसे लगता है कि बाबा ही गा रहे हैं। तो ये अपने अपनी सोच की बात है, लेकिन मैंने सोचा कि ये आपको बता दूं। अगला गाना स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, साहिर साहब के बोल, रवि साहब का संगीत, लता जी की आवाज़, 1968 की फिल्म आँखें, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। फैंटास्टिक।
एक ऐसा गीत आपको सुनाते हैं जो लता जी खुद नूरजहाँ जी की आवाज़ में सुनना चाहती थी, पसंद करती थी। एक बार जब लता जी लंदन में अक्सर जाया करती थी तो वहाँ संयोगवश नूरजहाँ जी भी थी, दोनों की खूब सारी मुलाकातें हुई, खूब सारी बातें हो गई। और एक बार जब लता जी नूरजहाँ जी के यहाँ खाना खाने गई थी तो उन्होंने उन्हें दरख्वास्त की कि बेटा मुझे ए दिले नादा सुनाओ, और उनके घर के लिफ्ट से नीचे उतरते उतरते उन्होंने मुखड़ा और अंतरा गाया था उनके लिए। तो बेहद खुश होकर नूरजहाँ जी बोली थी कि आपने बेहद सुंदर गाया है वो गीत, आज भी बहुत खूबसूरत गाया, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। आइए 1983 की फिल्म रज़िया सुल्तान, जानिसार अख्तर साहब के बोल, खयाम साहब का संगीत, ए दिले नादा। Thank you.
है। फिर ये धड़कन सी चार जो क्या है, ऐ दिले नाना, ऐ दिले नाना। ईरानी संतूर, रवाब और वो ढोल के न जाने कितने प्रकार। ब्यूटीफुल म्यूज़िक बाय खयाम साहब। खैर, अगला गीत, जब जब मोहब्बत का जिक्र होता है तो इस गीत का जिक्र होता ही होता है और ये गाना याद आता है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता है, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पर हैरा होती, तुम उस बात पर कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो कैसा होता। आइए, यश चोपड़ा जी सिलसिला के लिए न गीत चाहते थे, न कविता चाहते थे, वो कुछ कोलाज चाहते थे। और ये बात उन्होंने शिव हरि यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जी को बोल दी थी। तो उन्होंने जावेद अख्तर साहब की बंजारा कविता ली और फिर लता जी की आवाज़ में स्थाई और फिर कविता और फिर अंतरा और फिर कविता, इस तरीके से एक माला गूँथी गई और एक बहुत सुंदर निर्माण हो गया। बस उसी को सुनते हैं, ये कहाँ आ गए हम। अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
बात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। तो बदन है, मैं हूं छाया, तू ना हो तो मैं कहां हूं, मुझे प्यार करने वाले तू जहां किसी राह भी निकलते, ओ हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, ये कहा इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम, दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत, अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ओ मेरी सांस सांस महके, कोई भी ना चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन, हुई शाम ढलती ढलती, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलती ढलती, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, Shailaja, it's an experience. Yeah, fantastic, and it's so difficult to match it with Amitabh Ji's voice. वो संतूर और बांसुरी को कैसे background में throughout रखा है और एक-एक साज बांसुरी के साथ आता है और मिल जाता है. क्या संगीत है? My goodness, absolutely wonderful. प्यार की एक हताशा है और जीवन का वास्तव, दोनों अमिताभ जी के लफ्जों से कैसे छलकते हैं. My goodness, शब्द ही नहीं है बिल्कुल. आइए आगे चलते हैं. 1968 के फिल्म पड़ोसन का एक खट के गीत आपको सुनाते हैं. वो एक कच्ची कली कचनार की है जो प्यार की बातें नहीं जानती, लेकिन उसके मन में जो भावनाएं उभर आती है उनको इस गीत में किस तरीके से बांधा है आप उसका आनंद लीजिए. अर्थात पड़ोसन के गीत यानी कि राजेंद्र कृष्ण जी का के गीत है, लेकिन वो जो पहली पंक्ति है ना वो महमूद साहब के वालिद मुमताज अली जी की लिखी हुई पंक्ति है. भाई बद्दूर भाई बद्दूर अब जाएंगे कितनी दूर, ये उनकी पंक्ति हैं जिनको गुमनाम फिल्म में भी इस्तेमाल किया है और छोटे नवाब में भी महमूद साहब उसको दोहराते हुए आपको दिखाई देते हैं. बस एक
गाने के पहले जो 40 सेकंड का प्रिल्यूड है, दैट्स फंटास्टिक, क्योंकि वो छोटे छोटे महीन आलाप जो लता जी की आवाज़ में है, ऐसे लगता है कि कोई सुंदर सा वो एक सुंदर सी तितली है जो एक फूल से दूसरी फूल पर उड़ रही है। तो उसका अनुभव लीजिए, लता जी की दिलकश आवाज़ और सायरा बानो की बेमिसाल खूबसूरती। शायद इसके पहले बेदिन सिंह इतना इनोसेंट कभी हुआ नहीं था और न आगे होगा। अगला गीत ऐसा है कि जिसमें लता जी गाते गाते शब्दों के साथ ऐसे लड़खड़ाती है कि लगता है को वाकई नशे में चूर हो। 1969 का गीत इंतकाम का, राजेंद्र कृष्ण जी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। और आपको मालूम है ये गीत राग चारुकेश में निबद्ध है, कैसे रहूं चुप। उन्हें किसी ने पूछा भी था कि आप किस तरीके से इस ऐसा परफॉर्मेंस दे सके, तो उन्होंने कहा कि भाई आखिर वो परफॉर्मेंस है, कोई खूनी किरदार निभाता है तो हाथ थोड़े ही खून से रंगा के आता है, अपनी जज्बातों से और अपने एक्टिंग से दिखाता है ना।
तो वो हम सुरों के जरिए वो एक्टिंग कर लेते हैं। आइए ये गीत सुनते हैं शैलजा जी से। बहुत बढ़िया शैलजा जी, शास्त्रीय संगीत पर आधारित पंचमदा की रची एक बहुत श्रेष्ठ रचना की धुन की ओर आपको ले चलते हैं, जिसमें राग यमन और खमाज इन दो रागों को मिला जुला कर एक ऐसी चैनदार मधुर धुन पंचमदा ने बनाई जिसमें सितार गा उठी और तबले ने भावनाओं को शब्द दिए। खैर, बीती ना बिताए रहना परिचय का गीत गुलजार साहब का लिखा, लता जी और भूपिंदर जी के धीर गंभीर आवाज़ में ये गीत भुलाए न बने स्थिति में हमें ले जाता है, जब रात में
कभी नींद कोसों दूर रह जाती है या मन अनमना सा हो जाता है, तब इस गीत को जरूर सुनना चाहिए। पल नहीं जा
आप यहीं बने रहिए। मासूम मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, कागज़ की हवेली है और बारिश का ज़माना है। आइए शब्दों के भीगे रास्ते से चलते हैं किसी बरसाती नगमे के खोज में। 1969 की फिल्म थी अनजाना, आनंद बख्शी साहब के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। फिर से एक बार राग शिवरंजनी में निबद्ध ये गीत लता जी और रफ़ी साहब का गाया हुआ है। रिमझिम के गीत सावन गाए। इधर हम ये समझे कि वो कुछ कहेंगे, उधर वो ये समझे कि हम कुछ कहेंगे। बड़ी देर के बाद ये बात जानी, न वो कह सकेंगे न हम कह सकेंगे। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। अगला गीत सुनकर ही जाइएगा, वो म्यूजिकल मास्टरपीस है। कहीं दूर से मंदिर की घंटियां बज रही हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
कहीं दूर से देखिए मंदिर की घंटियां बज रही हैं और पहाड़ों की ढलानों से अब पानी बहता है और वो सीधे नदी में आकर बहने लगता है को, तो उसकी कलकल आवाज़ भी आ रही है। चहू और सिर्फ बर्फ ही बर्फ, लेकिन आंसुओं से गिराने के लिए एक बूंद भी आंखों में नहीं है, ऐसी अवस्था है। विशाल भारद्वाज ने इस गीत को संगीतबद्ध करते समय एक ऐसा साउंड स्कोप, आई हैव जस्ट लाइक दैट वर्ड, साउंड स्कोप रखा है उन्होंने कि इतने सारे स्वर चित्र उसमें निहित हो जाते हैं और हम अपने अपने स्वर चित्र उसमें डाल सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग। और गुलजार साहब ने न जाने कितनी बार ये गीत लिखा, गुलजार साहब द ग्रेट गुलजार साहब, उनसे विशाल भारद्वाज जी ने इतनी बार ये गीत लिखवा लिया जब तक कि वो उनको पसंद ना आए। तो ऐसी बातें होती है, सोना उतना जितना तपता है उतना निखरता है कहते हैं, वो बात है। और फिर वो बात भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उसमें उस्ताद सुल्तान खान साहब की सारंगी है और अगर रिदम और ठेका है तो सिर्फ मटके का, और जब गीत अंत में आ जाता है तो एक शांतता होती है, एक विषण्णता होती है उसमें, उसका अनुभव हम लेते हैं। और फिर से एक बार सिर्फ बहते पानी की आवाज़ और दूर कहीं मंदिर में बजती घंटियाँ, ये एक अनुभव। विशाल भारद्वाज जी 1996 की माचिस और पानी पानी रे गीत हम सुनेंगे। अनुपम जी, आई थिंक यू वेर पार्ट ऑफ दैट, राइट? यस। अच्छा, लेकिन आप सिटिंग्स में थे, वो भी बहुत है, सिटिंग्स बहुत सिखाती है हमको। और मैं बताऊं कि वो जो माचिस का पहला शॉट था ना, तब मैं वहाँ मौजूद थी, आई वॉज इंटरव्यूइंग गुलजार जी। चलें, कामत साहब कहाँ हैं? उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपसे सत्यम शिवम सुंदरम सुनना, पंडित नरेंद्र शर्मा जी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, दरबारी कनाडा में निबद्ध ये गीत एक अंतरा आप सबके लिए, आपका सम्मान रखते हैं। शिवम सुंदरम।
थैंक यू। ये तो लता जी की स्वरों की सुंदरता का ही वर्णन है, तो अच्छा किया कि हमने ये गीत लिया। अगला गीत जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, तमिलनाडु से विश्वविख्यात संगीतकार, महाराष्ट्र से लेकिन जगतवंद्य गायिका, दिल्ली से नायक, हिमाचल से नायिका, केरल से पुरुष स्वर, ये है भारतीय फिल्म का गीत, हिंदी गीत जिसमें मलयालम कोरस। तो आपने जाना 1998 की फिल्म दिल से का, गुलजार साहब का लिखा और अजीमोशान शहनशाह जिन्हें आजकल कहा जाता है, एआर रहमान साहब का संगीत जिससे मिलकर जो गीत तैयार हो जाता है। अक्सर वो चाहते थे कि वो जो कोरस है जिसमें स्त्री की सुंदरता का वर्णन है वो पूरा हिंदी में आए, लेकिन उन्हें गुलजार साहब ने सुझाव दिया था कि नहीं, वो मलयालम में ही रहने दो, वो भाषा की सुंदरता और वो रोमांटिसिज्म और वास्तवता दोनों के बीच लहराती नाव के जैसा ये गीत है और सर्वोपरि है लता जी की आवाज, आइए सुनते हैं। जिया जले जान जले, जिया जले जान जले, नैनो तले धुआं चले धुआं चले, धुआं चले रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सखी रे, जिया जले जान जले, नैनो तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सखी रे, जिया जले भर भी
फंटास्टिक। शैलजा, डू यू थिंक कि हम लोग एक मराठी गीत सुनाएं? हाँ, तो सुनाना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे मराठी लोग हैं आणि किती ऐकवणार ना। परंतु लता मंगेशकर हे जे काही दिव्य रसायन आहे त्याच्याबद्दल कवी कुलगुरु कुसुमाग्रजांनी असं म्हटलेलं आहे की कोकिळा जेव्हा स्वरांची उघडते अब्दागिरी, जंगले शाहीर होती शब्द होती मंजिरी, कोकिळा जेव्हा स्वरांचे गेंद गगनी फेकते अंचलावर चंचलेच्या रात्र अत्तर सांडते। आय विश आय हॅड 5 मिनिट्स टू एक्सप्लेन दॅट इन हिंदी, बट दॅट्स लता मंगेशकर। जयत रिजयत आणि लोकसंगीताचा ज्याला स्टायलाइज्ड बाज म्हणतात तो हृदयनाथ मंगेशकरांचा, आणि पुन्हा याच्यामध्ये जे प्रोज आहे किंवा याच्यामध्ये जी कडवी आहे ती रवींद्र साठे आणि चंद्रकांत काळे यांनी गायलेली आहेत, आपण ऐकूया। तो पण एक अनुभव आहे। छोटीशी माझी एक प्रयत्न। काय म्हणतेस? छोटीशी प्रयत्न। अरे खूप छान। हिरव्या पानात हिरव्या पानात
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड आई होप यू लाइक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो. आकाश से निकलकर ज़मीन की ओर बढ़ती जाती है, उसे कहते हैं धारा. और यहीं जन्म लेकर अपने प्यार भक्ति और श्रद्धा के बल पर आकाश की ओर प्रस्थान करती हैं वो है राधा. राधा और मीरा दोनों कृष्णानुरागी हैं, दोनों का मकसद एक ही है लेकिन उनकी चाहत और उनकी उनकी पद्धति में फ़र्क है. चलिए एक राधा एक मीरा राम तेरी गंगा मैली का फिर से एक बार रविंद्र जैन स्क्वायर और सर्वोपरि जैसे कि लता जी की आवाज़. सितार सोलो वायोलिन मैंडोलिन सबका मज़ा उठाइए.
फैंटास्टिक। ये गीत राग किरवाणी में निबद्ध था। अगला गीत एपिक मूवी 1995 DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जतिन ललित जी का कर्णप्रिय संगीत। मैंने सुना है आनंद बख्शी साहब से उन्होंने 24 बार ये गीत लिखवा लिया था और यही वो गीत है जो पहली बार रिकॉर्ड हुआ था। मेरे ख्वाबों में जो आए, बस यश चोपड़ा जी ने ये कहा है कि लता जी एक ऐसी शख्सियत थी कि संगीत उनको फॉलो करता था। गुडनेस, एक ऐसी यात्रा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बहुत सारे गीत हैं जो रह गए, लेकिन क्या करें दोस्तों, लता जी की आवाज़ में मौजूद सात्विकता का कोई सानी नहीं है। किसी ने खूब कहा है कि तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे, तेरे अगर आवाज़ न होती बुझ जाती जीवन की ज्योति, तेरे सच्चे सुर हो ऐसे जैसे सूरज चांद सितारे।
और सही मायने में जावेद अख्तर साहब ने कहीं लिखा है कि हमारे पास एक चांद है, एक सूरज है और एक ही लता मंगेशकर थी। अब थी बोलने के में कितना दुख महसूस होता है हम सब जानते हैं। कार्यक्रम का समापन एक ऐसे गीत से हम करने जा रहे हैं कि जो शायद उनका उनकी दार्शनिकता उनकी फिलॉसफी होगी। वो इतनी महान क्यों थी? क्योंकि उनके पास उनके गले में स्वर्गीय स्वर था? नहीं, उसके लिए नहीं, वो तो कारण था ही, लेकिन हर गीत के साथ उन्होंने खुद को खुद का स्तर ऊंचा करते चली गई वो। ये उनकी महानता, ये उनका बड़प्पन था। उनके गुजर जाने के बाद एक चित्र देखा था, स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं और लता जी हमेशा की तरह सफ़ेद साड़ी में लिपटी स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। चेहरे पर हमेशा की तरह वो मुस्कान भी है और वही वो जो हमने देखा ना, ओ लता जी का पिक्चर यहाँ होना चाहिए था। वो हरी और धानी कलर का जो पल्लू है वो दोनों कंधों से लिपटा अभी आएगा, यही वो साड़ी है। एक बार बस उनका ध्यान नहीं था तो उस पल्लू को छूने की मैंने कोशिश की थी। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने की है। चलो, तो दोनों कंधों से लिपटे और चेहरे पर मुस्कान और उनका स्वागत करने के लिए स्वर्ग की सीढ़ियों से आधी सीढ़ी उतरकर साक्षात सरस्वती देवी सरस्वती आ रही है। मुझे लगता है कि इससे और कोई भावना हो नहीं सकती। तो बस अंतिम शब्द में इतना ही कहूँगी जो मैंने उनके सामने कहा था कि या देवी सर्वराष्ट्रेषु स्वररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। I want to speak a few words today. Thank you all. First of all, I need to thank you all for all your blessings and adulations as always. जो कुछ भी आज मैं हूँ, आई एम बिकॉज ऑफ ऑल योर ऑडियंस, ऑल यू, ऑल ऑफ यू ऑल, सो आई नीड टू से थैंक्स टू यू ऑल फर्स्ट। एंड ये जो शो हुआ है, दिस हैपेंड इन 2017 जनवरी 27th को, दिस वॉज कंसीव्ड बाय अनुपम एंड नाउ सिद्धार्थ हैज डन दिस। दिस विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल बिकॉज इट वॉज माई फादर्स लास्ट शो दैट ही सॉ ऑफ हिज डॉटर। यस, एंड माई मॉम इज़ हियर टुडे। वी ऑलवेज फेल टू से थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, यू नो, आई that you know they let you pursue your dreams. My mom is here today. I need to say thanks to you that you let me pursue music, and whatever I am is because of you all, because I could do this because you supported me. ye jo piche itne sare jo ye hain, they are not just musicians, they are my support system. Ye sab Suresh ji has seen me in my during my Saregama time, and till now he always keeps blessing me. And yahan pe jo Borkar kaka hai, he to get blessings from these senior musicians is something I feel I'm blessed, and I am really thankful to all of you all. And Anupam ke bare mein main kya bolun, he has been my buddy since so many years. I need to say thanks to him to let me do things beyond my capacity which I cannot even think of. And I still remember my father saying thanks to him to have put up such a wonderful event for my daughter. So I need to say thanks to him. Thanks is a very small word for him. I need to say thanks to all of you all. Siddharth, thank you so much for believing in me and believing in us. Thank you so much. So I end this with the song now. Thank you so much. Oh my God. She will be a birthday girl in some minutes, you know. You know, maybe I don't know what's the time, but रहे ना रहे